सपोज हेमिस्फेयर सर्कुलर मोशन में है और हेमिस्फेयर इज रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड ओमेगा. प्लीज डायग्राम साथ साथ बना लें, रफ के अंदर डायग्राम साथ साथ प्रैक्टिस करें विद ओमेगा. ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक चीज का आंसर दें कि अगर आपके पास सपोज कोई भी एक स्फेयर होता, ठीक है, कोई भी एक स्फेयर है, अगर मैं इस स्फेयर का एक नॉर्मल लूं, नॉर्मल कहीं पर भी, जैसे यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करता हूं, तो वो नॉर्मल हमेशा कहां से पास करेगा? सेंटर से. ये ऑप्टिक्स में शायद आपने पढ़ा भी होगा. तो कहीं मर्जी नॉर्मल ड्रॉ कर लेना, वो हमेशा कहां से जाएगा? परपेंडिकुलर हमेशा कहां से पास करेगा? स्फेयर के सेंटर से. कोई डाउट इसमें? ठीक है, यहां तक ये रिजल्ट भूलना नहीं. हेमिस्फेयर का भी सेम है. अगर मैं यहां पर हेमिस्फेयर लूं, तो हेमिस्फेयर, ये हेमिस्फेयर है, तो इस हेमिस्फेयर के यहां पे नॉर्मल हमेशा कहां के पास करेगा? इसके सेंटर से. राइट, तो इस चीज को हम यूज करते हैं इसमें. देखो कैसे इसको ऐसे यूज करेंगे कि सपोज करो एक इंसेक्ट है, एक इंसेक्ट है छोटा सा, फ्रिक्शन है नहीं. इंसेक्ट को मैं यहां पे लेके आता हूं, स्लिप होकर नीचे आ जाता है. मैं यहां लेके आता हूं, नीचे आ जाता है. मैं यहां लेके आता हूं, नीचे, ऊपर आ ही नहीं रहा. कैसे आएगा बिना फ्रिक्शन के? तो आ ही नहीं, चढ़ेगा ही नहीं ऊपर. पर मैंने क्या किया, इसको रोटेट करना शुरू कर दिया हेमिस्फीयर को. रोटेट जब किया तो आपने देखा होगा, अगर आप कटोरी भी रोटेट करते हो, कुछ भी करते हो, तो चीजें बाहर की तरफ जाती हैं. तो ऐसा ही कुछ हुआ, सूडो फोर्स लगा लो, कुछ तो उसको ऊपर लेके जा रही है फोर्स. तो इंसेक्ट यहां पे कहीं आ गया और इस पॉइंट से ऊपर जा नहीं रहा. अगर आप ओमेगा तेज करोगे तो ऊपर जाएगा, ओमेगा नहीं तेज करोगे यहीं रहेगा, ओमेगा जीरो कर दोगे वापस आ जाएगा. तो वो इंसेक्ट, इसका रेडियस कैपिटल आर है हेमिस्फीयर का. वो जो इंसेक्ट है वो कितने रेडियस में घूम रहा है बताओ? सर्कल में. कैपिटल आर नहीं, लेस देन कैपिटल आर. कैपिटल आर तो ये है. अगर इंसेक्ट यहां पे घूमता तो रेडियस छोटा था, यहां रेडियस बड़ा है, यहां पे रेडियस और बड़ा है, सबसे बड़ा ऊपर है. तो इंसेक्ट का जो रेडियस है वो कैपिटल आर से तो कम है. ठीक है, तो लेट अस सपोज जो इंसेक्ट है वो कुछ इतने रेडियस में घूम रहा है, जैसे कि ये मैंने ड्रॉ कर दिया. तो इंसेक्ट किसी भी इंस्टेंट पर मान लो यहां पर है, सर्कल में घूम रहा है, इसके ऊपर इसका वेट कहां एड करेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड्स. क्वेश्चन में क्या निकालना है? क्वेश्चन में निकालना है ओमेगा हेमिस्फीयर का क्या हो, ताकि ये इंसेक्ट किस पे रहे? एट रेस्ट. ये रेस्ट पे रहे, जहां है वहीं वहीं घूमता रहे. और कितने रेडियस में घूम रहे वो मुझे पता नहीं, वो स्मॉल आर रेडियस होगा. लेट अस सपोज ये रेडियस है स्मॉल आर, जो मुझे गिवन नहीं होगा. मुझे कैपिटल आर गिवन होगा, स्मॉल आर गिवन नहीं होगा. मुझे एक और चीज गिवन होगी, इस इंसेक्ट ने एंगल जो बनाया इसके साथ, सेंटर के साथ, वो क्या बनाया? थीटा विद वर्टिकल. थीटा विद वर्टिकल ये गिवन है. डायग्राम साथ साथ बनाओ. थीटा विद वर्टिकल, ठीक है. अब ध्यान से देखो कि ये थीटा विद वर्टिकल एंगल है. अब रूल नंबर वन, मुझे सिर्फ ये बताओ कि अगर ये इंसेक्ट मींस अगर ये सर्कल में घूम रहा है और मैं कहूँ इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, तो आप बोलोगे वेट एमजी. आप बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन कहां से पास करेगा? बोले अगर मैं यहां ड्रॉ करूं कहां से, टूवर्ड्स या पासिंग फ्रॉम सेंटर. डिस्कस किया था हेमिस्फेयर या स्फेयर, तो नॉर्मल रिएक्शन उसके सेंटर से पास करता है. तो लेट अस सपोज ये नॉर्मल रिएक्शन कितना है? एन. तो ड्रॉ करें एन. ठीक, अब नेक्स्ट रूल देखें. नेक्स्ट रूल में एन के दो कॉम्पोनेंट्स निकल के आएंगे, एक कॉम्पोनेंट ऊपर और दूसरा कॉम्पोनेंट ए यहां पे कहीं पे. कैसे? अगर ये थीटा है तो ऑल्टरनेट एंगल से ये क्या है? थीटा. थीटा एंड थीटा. एन का एक कॉम्पोनेंट क्या होगा? एन कॉस थीटा ऊपर और दूसरा कॉम्पोनेंट एन साइन थीटा ये रहा, और ये रहा सेंटर ऑफ इंसेक्ट.
सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ इंसेक्ट, तो इंसेक्ट सी डैश सेंटर मान के घूम रहे हैं और स्मॉलर रेडियस में घूम रहे हैं। अब मुझे पता है कि इक्विलिब्रियम में और गोल गोल यहीं पे खड़े होकर घूमे जा रहे हैं, तो पहली क्वेश्चन बोलो क्या बनेगी, एन कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना एम जी। इक्वेशन नंबर वन क्लियर है वाई एक्सिस में, ठीक है। दूसरी क्वेश्चन बोलो एन साइन थीटा सर्कल के कहां पर एक्ट कर रहा है, सेंटर, तो एन साइन एन इंटू साइन थीटा क्या प्रोवाइड करेगा या क्या एक्ट करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी है, एम स्मॉल आर की बड़ा आर स्मॉल आर, और एम वी स्क्वायर बार पुट नहीं करना क्योंकि क्वेश्चन में निकालना है ओमेगा, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब स्मॉल आर की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, हमें तो कैपिटल आर गिवन है। एक काम करो, ये राइट एंगल ट्राइंगल देख रहे हो, ये एंगल 90 है, चेक करो इस राइट एंगल ट्राइंगल में साइन थीटा की वैल्यू चेक करो क्या है, साइन थीटा विल बी इक्वल टू स्मॉल आर डिवाइडेड बाय ये रेडियस क्या है कैपिटल आर, हेमिस्फीयर का रेडियस कैपिटल आर है, तो स्मॉल आर की वैल्यू क्या आएगी, कैपिटल आर इंटू साइन थीटा। तो स्मॉल आर की जगह यहां पे पुट करेंगे, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर इंटू साइन थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर, राइट। तो यहां से साइन कैंसल, तो एन इज इक्वल टू एम आर ओमेगा का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर टू, ठीक है। आप एक काम करें, इक्वेशन नंबर टू को इक्वेशन नंबर वन से डिवाइड कर दें, तो सेकेंड इक्वेशन क्या है एन, और फर्स्ट इक्वेशन क्या है एन इंटू कॉस ऑफ थीटा, सेकेंड इक्वेशन क्या है एम आर ओमेगा का स्क्वायर, और फर्स्ट इक्वेशन में क्या है एम जी, एम से एम कैंसल, एन से एन कैंसल, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके जी बाय आर इंटू कॉस ऑफ थीटा, तो यहां से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ जी डिवाइडेड बाय आर कॉस थीटा, तो ये आपके पास क्या आ गया ओमेगा, तो यही निकालना था ओमेगा। और हो सकता है वो आपको प्रॉब्लम में ये भी पूछ ले फाइंड टाइम पीरियड, वो पूछे कि टाइम पीरियड की वैल्यू बताओ इसमें क्या होगी, तो ओमेगा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई अंडर रूट ऑफ कितनी जी डिवाइडेड बाय आर इंटू कॉस थीटा, ओमेगा क्या होता है टू पाई बाय टी इज अंडर रूट ऑफ जी बाय आर कॉस थीटा, तो यहां से टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी टी इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट ऑफ आर कॉस थीटा बाय जी, ये ऑब्जेक्टिव में मार्क कर लेना।